स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आप अपने स्टडी पर भरपूर तवज्जो दे रहे होंगे और आपका टाइम ज़्यादा नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही स्कूल ओपन होगा आपके एग्जाम की तैयारी शुरू हो जाएगी। आप ये देखें कि जो भी टीचर आपको जो भी वर्क दे रही है उसे आप ना सिर्फ लिखें अपनी कॉपी पर प्रॉपर तरीके से बल्कि उसे लर्न भी कीजिए। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लिखने का जो तरीका हमारा पुराना था वो चेंज हो चुका है। अब मैं आज आपको नए तरीके से एप्लीकेशन लिखना सिखा रही हूँ। उम्मीद है आप बहुत ही ध्यान से इसको सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आपने ये करना है कि एक पेज पे आपने ये क्वेश्चन लिखा है, ये सवाल है आपका, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर सिक लीव। आप इस सिक लीव की एप्लीकेशन लिखनी है, यानी बीमारी की दरख्वास्त लिखनी है। तो आपको पहले ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको एक पेज के बीच में लिखना है, ठीक है। यानी एक पेज आप ओपन कीजिएगा, नेक्स्ट पेज जो है आपका, नेक्स्ट पेज जो भी है आपका, उसमें पहले आप सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में पेज के बीच में आप ये क्वेश्चन लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज से आप लिखना शुरू करेंगे, नेक्स्ट पेज से आप लिखना शुरू करेंगे। देखिए मैंने मार्जिन ड्रॉ किया है, ये मार्जिन है आपका, ठीक है। उसके बाद साइड में ही लिखा है मैंने रेड वाली लाइन, क्या आप समझिए आपकी रेड लाइन, रेड वाली लाइन के नीचे वाली जो लाइन होती है, रेड लाइन के नीचे वाली लाइन पे देखिए लिखा है हाउस नंबर। साइड में लिखना है हाउस नंबर एबीसी। आप यहाँ पर अपने घर का नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे तो अपने घर का नंबर लिख लें। उसके बाद है औरंगी टाउन कराची, एक साथ लिखा है मैंने साइड पर, ये देखिए औरंगी टाउन कराची 25 मार्च 2021। अब मार्च है, आप आज की डेट डाल लीजिएगा, मार्च के बजाय आप जुलाई कर ले, ठीक है, जो भी डेट होगी वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद है द प्रिंसिपल, देखिए कहीं मैंने कॉमा या फुल स्टॉप नहीं डाला है, द प्रिंसिपल ऑक्सीडेंट प्राइमरी स्कूल और एनकी टाउन कराची। सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ठीक है। रिस्पेक्टेड मैडम, अब आप एक चीज ध्यान रखिए कि देखिए मैंने एक सीक्वेंस से लिखा है, बिल्कुल साइड पे सारी लाइनें साइड से आ रही हैं, ठीक है, आपने भी इसी तरह लिखना है। रिस्पेक्टेड मैडम, उसके बाद यहीं से लिखना शुरू करना है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ठीक है, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुडे, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर टुडे, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, थैंकिंग यू योर्स ऑबेडिएंटली। यहां मैंने एक्स वाई जेड लिखा है, आपने एक्स वाई जेड नहीं लिखना है बल्कि यहां पर आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। मैंने एक्स वाई जेड लिखा है लेकिन यहां पर आपने एक्स वाई जेड नहीं लिखना है बल्कि अपना नाम लिखना है, ओके स्टूडेंट। अब मैं इसकी आप इसकी ट्रांसलेशन बता दी, रिस्पेक्टेड मैडम यानी काबिले एहतराम मैडम, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू से डेट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, यानी कि बहुत ही इज्जत के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं गुज़िश्ता रात से बुखार में मुब्तला हो गया हूँ या हो गई हूँ, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुडे, इसलिए मैं आज स्कूल नहीं आ सकती, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर टुडे, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि बराए मेहरबानी मेरी दरख्वास्त को, मेरी रुख्सत को कबूल फरमाए, आज की रुख्सत को कबूल फरमाए, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं आपकी इस मेहरबानी पर बहुत ही शुक्रगुजार रहूंगी, थैंकिंग यू, आपका शुक्रिया, योर्स ऑबेडिएंटली, आपका फरमानबरदार एक्स वाई जेड नहीं बल्कि आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पर, ओके स्टूडेंट। अब आप अपनी डायरी देख लें, ओके स्टूडेंट। एक चीज मैं और आपको बताना चाह रही हूँ कि क्योंकि आप फोर्थ क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपने तो पेन से ही काम करना है ग्रामर का, लेकिन जो आप मार्जिन डालेंगे, आप मार्जिन डाल के आपके एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मार्जिन को आप मिटा देंगे, ठीक है, यानी एप्लीकेशन में मार्जिन नहीं डाली जाती है, तो आप एप्लीकेशन के लिखते वक्त मार्जिन तो डालेंगे लेकिन उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन फिनिश हो जाए तो आपने मार्जिन को मिटा देना है, ठीक है। अब आपकी डायरी है लर्न एंड राइट एप्लीकेशन, ठीक है, जो एप्लीकेशन आपको दी है उसे आपने लर्न भी